अच्छा जी, पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम लोगों ने Adobe Illustrator और Adobe Photoshop इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और स्टडी किया। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के हवाले से बहुत सारे टूल्स, फीचर्स और बहुत सारी टेक्निक्स के हवाले से जो है वो लर्निंग की। अब मैं आप लोगों को जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, वो है Adobe InDesign। इस लेसन के अंदर हम लोग Adobe InDesign के हवाले से कुछ वाकफियत हासिल करेंगे और कुछ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि InDesign है क्या और हम इसको किस वक्त और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने Adobe Illustrator जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आपने वो डिटेल में देखा और उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है, तो यकीन करें कि Adobe InDesign को सीखने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर Adobe Illustrator से बिल्कुल मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि ये भी Adobe कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें भी तकरीबन वही टूल्स और ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि Illustrator के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, InDesign हम यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हों या डिज़ाइन करना चाह रहे हों जिसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो या जिसमें मल्टीपल पेजेस का इस्तेमाल हो, जैसे कि मैगज़ीन को देख लीजिए, ब्रोशर्स, या कोई भी ऐसा दूसरा पब्लिशिंग मटेरियल जैसे कि बुक्स, अब इन तमाम चीज़ों के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट के अलावा बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्प्रेड आउट हुए होते हैं। लिहाजा जब भी हम डिफरेंट पेजेस यानी मल्टीपल पेजेस के हवाले से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करते हैं जिसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, तो हमें Adobe InDesign का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके इस्तेमाल से हम बहुत ही आसानी के साथ टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली Adobe InDesign को अगर एक बहुत अच्छा टेक्स्ट मैनेजर या टेक्स्ट हैंडलर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चले, मैंने आपको InDesign के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी, अब देखते हैं InDesign के मेन इंटरफेस को और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इंटरफेस में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, जब सबसे पहले हम InDesign को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म की स्क्रीन आती है और ये हमारे पास शक्ल आती है InDesign की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल Illustrator से मिलता जुलता इंटरफेस आपको फ़ील हो रहा होगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हमने इसके इंटरफेस को स्टडी करना है तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा। ये तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं क्योंकि आप लोग जो है वो Illustrator और फोटोशॉप को सीख चुके हैं अब तक। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं इनको मैं आने वाले लेसन में डिस्कस करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं इनको जो है वो स्किप करके डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया और अब मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास InDesign के अंदर मेन इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये मार्जिन आपको अवेलेबल है। ये वो मार्जिन है कि जिसके अंदर अगर आपका टेक्स्ट रहता है, आपके इमेजेस और टेक्स्ट, तो ख़ास तौर पे अगर आपका टेक्स्ट इस मार्जिन के अंदर रहेगा तो वो प्रिंटिंग के अंदर सेफ रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी एक बात बताता चलूँ कि InDesign जो है ये ज़्यादातर प्रिंट मीडियम में जो इस्तेमाल होने वाले पब्लिशिंग मटेरियल्स हैं और जो दूसरे आइटम्स हैं उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसके अंदर हम मार्जिन्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मेन मेन्यू है बिल्कुल जिस तरह से Illustrator और फोटोशॉप में हमारे पास था। फाइल का टैब है, एडिट है, लेआउट की यहाँ पर एक हमारे पास टैब है और इसके अंदर लेआउट के हवाले से ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे आप अगर नया पेज ऐड करना चाहते हैं, पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इसके अलावा टाइप यानी कि टेक्स्ट के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है InDesign में, तो टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। फिर ऑब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस टैब में, टेबल के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं, व्यू और विंडो की जो ऑप्शंस हैं ये तो आप बहुत पहले से Illustrator फोटोशॉप में देखते आए हैं और आपको पता है कि कोई भी मेन्यू या ऑप्शन ना मिल रही हो तो वो हमने कहाँ से, ये विंडो के जो टैब है इससे हासिल करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी बार आ रही है और इस प्रॉपर्टी बार के अंदर जो कुछ भी आपके जो कॉन्टेंट भी आपके यहाँ पे मेन पेज में होगा उसके हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा ये आपका टूल बार है और इस टूल बार के अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, और अगर आप गौर करें तो आपको बहुत सारे टूल्स इलस्ट्रेटर के टूल्स से मिलते जुलते लग रहे होंगे। जी हाँ, इनडिज़ाइन के अंदर कई टूल्स ऐसे हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद हैं और वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इलस्ट्रेटर अच्छे तरीके से सीख चुके हैं तो इनडिज़ाइन सीखना आपके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, इनको भी हम बाद में देखेंगे। राइट साइड पे हमारे पास ये कुछ मेन्यूज़ हैं, जिसमें ये पेज मैनेजर का एक मेन्यू है, लेयर्स का मेन्यू है, लिंक्स हैं, स्ट्रोक है, और यहाँ पे कलर का मेन्यू है। ये कलर के साथ आपको स्ट्रोक की मेन्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये स्वेचेस, तो ये दो तीन जो हैं ये फिल और स्ट्रोक के हवाले से आपको कुछ यहाँ पे मेन्यूज़ दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमारे पास फिल और स्ट्रोक की ऑप्शन अवेलेबल थी, बिल्कुल उसी तरह से इनडिज़ाइन में भी वही सेम अवेलेबल ऑप्शन हमें मिल रही है। अच्छा जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास पेज मेन्यू है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ज़्यादा पेजेस, मल्टीपल पेजेस को मैनेज करने के लिए इनडिज़ाइन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ईजी टू हैंडल सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पेज ऐड करना हो, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये सिर्फ एक पेज है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो अब जूम आउट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डबल पेजेस में यहाँ पे आ चुके हैं, दो पेजेस आ चुके हैं। दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास तीन पेजेस इस वक्त आ चुके हैं। इसी तरह जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊँगा यहाँ पे हमारे पास पेजेस जो हैं वो ऐड होते जाएंगे, और इसी तरह से हम डिफरेंट पेजेस जो हैं उनके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मैगजीन बना सकते हैं, कोई बुक बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई पेज आपने डिलीट करना है तो वो यहाँ से पेज मैनेजर में ऑप्शन मौजूद है। अगर ये पूरा स्प्रेड, डबल स्प्रेड, इसको हम डबल स्प्रेड कहते हैं। डबल स्प्रेड का मतलब है कि ये एक लीफ लेफ्ट साइड पे है, एक लीफ राइट साइड पे है। आप लोग जब भी कोई मैगजीन या बुक खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं और एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, उन दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल स्प्रेड। तो ये अगर पूरा डबल स्प्रेड डिलीट करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर किसी एक पेज को, सिंगल पेज को अगर आपने सिलेक्ट करके डिलीट करना हो तो वो भी आप यहाँ से आके कर सकते हैं। ये आपके पास एडिट पेज साइज़ की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप जो भी आपने पेज साइज़ लिया हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लीगल, लेटर, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। तो जनाब, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे इनडिज़ाइन के इंटरफेस में, और इन्हीं को यूज़ करके आगे चल के हम चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर हम लोगों ने अडोबी इनडिज़ाइन का कुछ इंट्रोडक्शन लिया, हमने देखा कि इनडिज़ाइन क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हमने उसके मेन इंटरफेस में मौजूद डिफरेंट पोर्शंस और डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया। तो आने वाले लेसन में अडोबी इनडिज़ाइन के हवाले से ही आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेके हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।